डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों को परिभाषित किया था, उनके ऊपर न्यूमेरिकल हमने ट्राई किए थे। आज हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र से हम विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर है? अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता हो तो हम विभव आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझते हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है E, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है E, इसमें ये कोई बिंदु है P या कोई बिंदु A मान लो, ठीक है। यहाँ पर इससे dr दूरी पर कोई आवेश है Q नोट। क्लियर है? अब ध्यान देना, इस Q नोट आवेश के ऊपर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर बल लगाएगा, क्योंकि धनावेश पर जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो इस Q नोट आवेश पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये बल लगाएगा Q नोट इंटू E, उसकी दिशा है इधर। अगर मान लो हम इस Q नोट आवेश को यहाँ से और यहाँ तक लेकर आए, इधर अगर हम इसको लेकर आएंगे तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा, देखो उसको हमने छोटा सा dr दूरी विस्थापित करना है, तो जो कार्य होगा वो छोटा सा हो जाएगा dw, और कार्य का फॉर्मूला होता है f डॉट dr डॉट, प्रोडक्ट को हटाते हैं यहाँ पे cos theta लग जाता है, f dr cos theta। यहाँ पे जो थीटा होता है ये बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो देखो इस आवेश पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा है ये हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 180, और बल का मान रख देंगे यहाँ पर क्यू नोट इंटू ई, बल की जगह हमने रख दिया क्यू नोट इंटू ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी देखो 180, सॉरी कोस 180, और कोस 180 को हम लिख सकते हैं, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। इस -1 को आगे लिख देंगे तो जाएगा क्यू नोट इंटू ई इंटू डी आर। क्लियर है? ये आ गया अपना dw। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस आवेश को अनंत से और इस बिंदु a तक लेकर आते तो हमें कितना कार्य करना पड़ता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अपने को यहाँ से यहाँ तक लाने का जो कार्य है वो निकालना आता है, तो हम इसका समाकलन अगर कर दें तो अनंत से और यहाँ तक लाने का कार्य निकल जाएगा। तो आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु A तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W कैसे निकालेंगे, देखो ये जो डी डब्ल्यू था इसका हम समाकलन कर देंगे, देखो समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा समाकलन माइनस क्यू नोट इंटू ई इंटू डी आर। क्लियर है? अब इस क्यू नोट को इधर ले आते हैं, समाकलन से बाहर निकाल दो इसको, ये हो जाएगा ई इंटू डी आर, क्यू नोट नीचे आ जाएगा, देखो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, क्यों रहेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस समाकलन ए इंटू डी आर। क्लियर है? लिमिट हम लगा देंगे यहाँ पर अनंत से और बिंदु ए तक हम लेकर आए, तो लिमिट हो जाएगी अनंत से ए, अनंत से ए। क्लियर है? और डब्ल्यू बटा क्यू नोट, देखो यही होता था अपना विभव, विभव का फॉर्मूला अगर अपने को याद हो तो होता है बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। क्लियर है?
तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह हम रख देंगे वी, क्या रहेगा वी इक्वल्स टू माइनस समाकलन इंटू डी आर, लिमिट हो जाएगा अनंत से ए। तो इस टाइप से हम विभव निकाल सकते हैं अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता है, क्लियर है। तो ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी अपने को काम में आने वाला है, इसको अच्छे से याद करना है। इसको इसके ऊपर हम कुछ आगे की जो टॉपिक है 3 से 4 टॉपिक वो इसी के ऊपर रहेंगे, इसको अच्छे से रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। थैंक यू।